तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। बेंगलुरु में एक तेज रफ्तार की वीआईपी नंबर वाली ऑडी कार से भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 7 लोगों की जगह पर ही मौत हो गई है। किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ऑडी कार ने पोल को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें सवार 6 लोगों की जगह पे ही मौत हो गई है, जबकि 7वें व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई है। मरने वालों में 3 लड़कियां भी थी, ये सभी 20 से 30 साल की उम्र के थे। एक्सीडेंट के शिकार लोगों में एक तमिलनाडु के विधायक वाई प्रकाश के बेटे भी है। तमिलनाडु पुलिस ने इसकी पुष्टि की है, बाकियों की पहचान होनी बाकी है। तड़के करीब 2:30 बजे ऑडी Q3 एक पोल से जा टकराई और फिर एक फुटपाथ पर जा गिरी, जिसमें तमिलनाडु के एक विधायक के बेटे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ड्राइवर ने तेज रफ्तार के बीच कार से नियंत्रण खो दिया था। एक सीसीटीवी क्लिप में दिखाया गया है कि कोरमंगला में कार एक तेज गति से पोल से टकराई और उसका पहिया उड़ गया। डीएमके एमएलए के बेटे वाई प्रकाश के बेटे करुणा सागर और उनकी पत्नी बिंदु सागर इसी ग्रुप का हिस्सा थे। वे बीती रात जॉय राइड पर निकले थे। कार पूरी तरह बर्बाद हो गई है, आगे का हिस्सा पूरी तरह ही बर्बाद हो चुका है।